परमिशन? यस हाँ चलो, वेरी गुड। चलो, कोई कुछ बोल सर, रहा था हमारी यहाँ एफिशिएंट वेलोसिटी में एक्सपोनेंट्स का, क्या बोले? वो वेलोसिटी के इक्वेशन में भी एक्सपोनेंट्स कर वी वाइज का, कहाँ पर? ये v = u + t फॉलो। यहाँ पर तो ऊपर जा रहा हूँ ना बेटा, मैं सामने नहीं जा रहा ना, तो ऊपर जा रहा हूँ मैं, ऊपर फेंका ना मैंने। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पर जाने के लिए मैं ऊपर वाला की यूज करूँ कि हॉरिजॉन्टल वाला यूज करूँ? ऊपर जा रहा हूँ ना बेटा, ऊपर, यहाँ पर जाना है ना मुझे, तो मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेरा इस तरह से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है। मुझे यहाँ पर जाना हो तो मैं डायरेक्टली वी एक्स लेता, लेकिन मैं को जाना है ऊपर, अगर मुझे धाबा चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सूढ़ी पढ़ना, सूढ़ी सूढ़ी पकड़ना पड़ेगा। आई नीड टू यूज द स्टेप्स ना, ऐसे ही नहीं यस चलता, तो मेरे को ऊपर जाना है, मैं वर्टिकल का कॉम्पोनेंट्स ले रहा हूँ बेसिकली। बात क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना है बेटा? 2u into sin theta by g, t is equal to कितना? 2u into sin theta by g। इसका प्रूफ कुछ और मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने को भी काफी यूज नहीं है, आईपी वगैरह में भी करते हैं। s is equal to u plus at plus half at square लेके भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट याद रख लो फॉर द प्रोजेक्टाइल, t is equal to 2u into sin theta by g। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, t is equal to 2 into u sin theta, मतलब क्या बेटा? u sin theta मतलब क्या? u y लिख सकता हूँ क्या? या वेरी गुड, सो आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर टू टाइम्स ऑफ योर यू वाई डिवाइडेड बाय जी, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल डिपेंड बेटा वर्टिकल कॉम्पोनेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट विल डिपेंड ऑन टी डिपेंड्स ओनली ऑन वॉट बेटा? वर्टिकल कॉम्पोनेंट, इट विल डिपेंड ओनली ऑन योर वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलॉसिटी, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ योर वेलॉसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन चलते हैं। मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन देखो, बेसिकली डायग्राम देखो। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या? ये वाला है ना एच मैक्स, यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलते हैं? एच मैक्स बोल रहे हैं, एच मैक्स। तो मुझे एच मैक्स निकालना है, तो अगेन आई एम यूजिंग द रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। वर्टिकल में जा रहा हूं तो वी वाई लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल में नहीं जा रहा, मैक्सिमम हाइट होना वर्टिकल में, तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इनटू ए वाई इनटू एच मैक्स। एट हाईएस्ट पोजीशन वी वाई वैल्यू कितनी है बेटा? 0। यू वाई की वैल्यू मुझे मालूम है, यू साइन थीटा होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2। ए वाई वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस जी। एस विल बी इक्वल टू एच मैक्स, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2g। ए माइनस इधर कट गया, तो एच मैक्स बाहर निकाल लो, तो एच मैक्स कितना आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। आया सभी को? यस सर, सभी को, इज़न्ट इट? सो मैक्सिमम हाइट ऑफ़ द प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला एच मैक्स इज़ इक्वल्स योर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय योर 2g पार्ट ऑफ़ रिलेशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्लियर है सभी को? यस सर। चलो इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, एच मैक्स इज ऑल्सो इक्वल टू, कोई बता सकता है? यू वाई स्क्वायर, या एच मैक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 2 इंटू योर जी, ऐसा भी लिख सकता है कि नहीं? ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद रेंज, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसमें देखो यहां से यहां तक वो टू ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेंज बोल रहे हैं। वो टू ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेंज बोल रहे हैं। तो रेंज हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ योर फ्लाइट इज नोन एज ऑफ योर रेंज। सो आर इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना बेटा? यू एक्स वैल्यू इज गिवन हाउ मच फॉर मी? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, इजंट इट? और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मुझे मालूम है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना है? 2u sin थीटा / g। तो दोनों को यहां पर मिला के लिख दिया मैंने, u इंटू यू बन गया यू स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और हम लोग को यहाँ पर एक बेसिक मैथमेटिक्स मालूम है, साइन 2 थीटा वैल्यू इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लिख सकता हूँ मैं? साइन 2 थीटा से लिख सकता हूँ। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? नो, रेंज मैक्सिमम होना है बेटा, रेंज मैक्सिमम होना है मतलब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में? 1 है।
तो साइन टू थीटा मैक्सिमम वैल्यू इज 1. तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ साइन वी आर गेटिंग 1 बेटा, साइन 90. तो साइन 90 इज नथिंग बट 1. तो ये साइन चैन कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा कितना बन गया, 90 के बराबर हो गया. तो थीटा वैल्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी, 45 डिग्रीज. तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला कितना है बेटा, यू स्क्वायर बाय जी. क्लियर है? Is it clear for everyone? Yes. इसमें कुछ डाउट है क्या? रेंज में देख लो. What do you mean by range बेटा? Range nothing but equal to what for me? Horizontal velocity into your time of your flight is known as of your range. Clear है? Is it clear for everyone? Yes sir. Yes sir. तो range का फॉर्मूला होगा, maximum next one is complementary angles. Complementary angles are nothing but बेटा, for the given range, there exist the two angles for which the range is same. What are the angles beta? Theta or 90 minus theta. Iska again theory proof hai, wo apne ko zarurat nahi hai. To yaad rakhlo, complementary angles are nothing but the angles at which we'll be having the same range. To chahe body of theta se pheko ya 90 minus theta se pheko, uska range same rahega. Example dekhlo. Agar theta 1 30 degrees hai, to aur ek angle kitni hogi jiska range same hoga? To 60 degrees hogi. Maan ke chalo, aapne ek body ko is tarah se pheka. 60 degrees se aapne isko pheka, तो ये प्रोजेक्टाइल बना 30 डिग्री से फेंका, तो यहाँ पर आगे रुक गया. ये कितना था एंगल मेरे पास, 30 डिग्री. फिर और एक कितना एंगल होना चाहिए सो दैट इसका रेंज सेम हो, तो आपने इसकी थोड़ी एंगल बढ़ा दी. तो कितनी एंगल कर ली इसके भी राइट ना, 60 डिग्री. तो ये ऊपर इस तरह से गया लेकिन रेंज सेम बनाया, लेकिन हाइट्स विल बी डिफरेंट. इसका हाइट अगर H1 है तो इसका हाइट कितना बन जाएगा बेटा, H2. H1 एंड H2 विल बी डिफरेंट, बट दोनों के लिए रेंज सेम रहेगा. So what is the angles for which the range will be same? मतलब क्या लिखोगे बेटा? Complementary angles. What are that complementary angles? Theta and 90 minus theta. Clear है? Yes sir. Is it clear for everyone? Yes sir. Yes sir. ये पास complementary angle की कहानी. So there are two angles for which the range is same. That are 90 and 90 minus of your theta perpendicular. नेक्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल. एक प्रोजेक्टाइल में अगर मैं आपको वेलोसिटी पूछूं कहीं पर भी, हाईएस्ट पोजीशन को छोड़ के, ऊपर जाते से टाइम पे या नीचे जाते से टाइम पे, तो अगर मैं ये वी की वैल्यू पूछूं तो कैसे निकालोगे? सो हेडिंग इज क्या है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ड्यूरिंग ए प्रोजेक्टाइल. तो ये प्रोजेक्टाइल है, आपने इनिशियली इसके फेंका विद ए वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा, तो ये हो गया यूएक्स. यूएक्स की वैल्यू हो गई यू इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया यू वाई. यू वाई की वैल्यू हो गई यू इंटू यूर साइन थीटा. यहाँ पर आ गया पार्टिकल, अब यहाँ पर आने के साथ इसकी वेलोसिटी यू से वी चेंज हो गई और ये नई एंगल बना रहा है अल्फा. तो वी एक्स बन जाएगा कितना मेरे पास यहाँ पर बेटा, वी इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पर वी वाई बन जाएगा वी इंटू साइन अल्फा. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखो, ये यू को लिखो, मैं यू को कैसे लिख सकता हूँ, मैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप लिख सकता हूँ क्या? ये क्लियर है सभी को? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर This u को x एक्सेस में y एक्सेस में लिख रहा हूँ, तो ux i cap plus uy into j cap. ux की वैल्यू कितनी है, u cos theta i cap. uy की वैल्यू कितनी है, u into sin theta j cap. ये इनिशियल वेक्टर. Along x एक्सेस vx will be always equals to vx. मैंने इससे पहले ही बोला था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी सेम रहेंगे. ux is equals to vx. ux की वैल्यू कितनी है, u cos theta. vx की वैल्यू कितनी है, v into cos alpha. तो u cos theta must be equal to v cos alpha for the projectile. ये बात क्लियर है? फॉर द एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी इंटू कॉस अल्फा. इसपे प्रॉब्लम बनते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं इसपे. दिमाग लगाओ यहाँ पर, इन योर प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कभी भी सेम रहेंगे, इसीलिए ये यू कॉस थीटा और ये वी कॉस अल्फा विल बी वन एंड द सेम. अगर आपको थीटा दे दिया तो आप अल्फा निकाल सकते हो, अगर यू एंड वी वैल्यू दे दिया तो प्रॉब्लम. ठीक है ना, तो u cos theta will be equal to v into cos alpha. Very 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 important point है, बच्चे इसको over confidently छोड़ देते हैं, तो be little bit careful. Along x axis at any way u cos theta will be equal to v into cos alpha. Clear है? Yes. चलो y axis में बताओ बेटा, y axis में क्या लिखाओगे? Kinematic equation डालो, vy is equals to uy plus ay into t. vy की value है v into sin alpha, uy की value है u into sin theta. ay की वैल्यू है माइनस जी इंटू टी. तो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस का कंपोनेंट. वेलोसिटी आफ्टर टाइम पूछ रहा है ना बेटा, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम मतलब क्या निकालोगे आप बेसिकली? सो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी मतलब v is equal to vx i cap plus vy j cap. vx की वैल्यू आ गई मेरे पास, vx की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, u into cos theta के बराबर है. p equal to how much for me, किसके बराबर है यहां पर, जल्दी से देखो,
Vx की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है, आया कि नहीं? देखो Vx is equal to ux plus ax into t. ax तो जीरो हो गया, तो Vx will be equal to ux. ux की वैल्यू कितनी है? u into cos theta i cap. Vy की वैल्यू यहां पर आ गई, तो ये हो गया मेरा Vy की वैल्यू. So Vy की वैल्यू लेकर के यहां पर डाल दिया, क्योंकि Ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? Ay is always equals to much बेटा minus g, तो मैंने minus g डाल दिया. तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, एट हाईएस्ट पोजीशन को छोड़ के अगर कहीं पर भी मुझे वेलोसिटी निकालना है तो थीटा वैल्यूज दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो दिस विल बी द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस g into t g कैप. ये क्लियर है सर? एक बार फिर से बोलिए. ये देखो बेटा, यहां पर मुझे v निकालना है बेटा. ये v निकालना है मतलब vx एंड vy. vx की वैल्यू कितनी है? v cos अल्फा. vy की वैल्यू कितनी है? v into sin अल्फा. अब देखो यहां पर x एक्सिस में मैं काइनेमेटिक इक्वेशन लगा रहा हूँ, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी. एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो. तो ये पूरा जीरो हो गया, तो वी एक्स किसके बराबर हो गया? वी एक्स यू एक्स के बराबर हो गया. यू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर? यू एक्स की वैल्यू है यू इंटू कॉस थीटा. तो वी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास यू इंटू कॉस थीटा, यानी वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू इंटू कॉस थीटा. यहां तक क्लियर है सभी को? चलो वाई एक्सिस में बेटा अपने बॉडी को ऊपर फेंका वर्टिकल में, तो काइनेमेटिक इक्वेशन यही लग रहा है, x की जगह y डाल लो. vy is equals to uy plus ay into t. ay की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस. तो यहां पर माइनस डाल दो. uy की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? uy की वैल्यू u into sin theta है, तो यहां पर मैंने u into sin theta डाल दिया. और vy की वैल्यू कितनी है? देखो यहां पर vy की वैल्यू कितनी है? v into sin alpha. तो वैल्यू मैंने यहां पर डाल दिया, v into sin alpha is equals to u sin theta minus g into t. तो ये हो गया मेरा 1:2 रिलेशन. क्लियर है? नो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे? v is equals to vx i cap plus vy j cap. तो ये पूरा क्या vy है? ये पूरा क्या vy है? तो vx की जगह क्या मैं ये लिख दूं? vx की जगह क्या है? ux है. ux की वैल्यू कितनी है? u cos theta. तो मैंने यही लिखा, u into cos theta i cap plus vy की जगह क्या लिखना चाहिए? v into sin alpha. और v into sin alpha की वैल्यू कितनी है? u into sin theta minus g into t. तो ये लिख दिया मैंने. क्लियर है? यस सर. अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ, इसको पूरा डाल दो. तो ये बन गया u into your cos theta whole square. I की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा u into sin theta माइनस ऑफ योर g into t whole square. इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है बेटा, ओवर कॉन्फिडेंटली छोड़ दो मत. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ इन वेक्टर फॉर्म और बोथ इन मैग्नीट्यूड, दोनों में भी याद रखना है. क्लियर है? ये पेजेस नंबर्स याद रख लो, मैं पूरी मटेरियल आपको फिर से एक बार भेज देता हूँ. तो ये काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक है, ये पेज नंबर 43 से स्टार्ट हो रहा है देखो बेटा, ठीक है ना? तो 43 पेज नंबर है, वहां से आप लोग देख लो. मैं पूरी मटेरियल आप लोग को अभी भेज देता हूँ बेसिकली. तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी एट एनी टाइम. वेलोसिटी एट एनी टाइम पूछा तो दैट विल बी द फॉर्मूला. वेलोसिटी एट एनी टाइम अगर पूछा, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर, सो दिस इज द वेलोसिटी फॉर मी आफ्टर टाइम टी ऑफ योर प्रोजेक्टाइल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन देखो बेटा, अभी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टर. नो दिस इज अवर ब्रह्मास्त्र, यानी मेन कोर पार्ट ऑफ द कंप्लीट चैप्टर जिसपे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बनते हैं. इक्वेशन ऑफ योर प्रोजेक्टाइल, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल था, हमने एक पार्टिकल को फेंका था विद वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ये तो पूरी पुरानी कहानी है. ए वाई वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? माइनस जी. और एक्स वैल्यू हो जाएगी मेरे पास जीरो. x की वैल्यू हो जाएगी यू एक्स इंटू टी, तो यू कॉस थीटा इंटू टी. सो x हो गया मेरे पास कितना? u इंटू कॉस थीटा इंटू टी. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू u कॉस थीटा इंटू टी. क्लियर है सभी को ये फर्स्ट पॉइंट? यस सर. ये कहां से आया बेटा? yes, ये कहां से आया? x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर से आया. x की वैल्यू कितनी है? जीरो. ये जीरो डाल दो तो x कितना आ गया? यू एक्स इंटू टी. तो यहाँ पर वही आया ना मुझे, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी है. तो x की वैल्यू आ गई कितनी? x की वैल्यू है मेरे पास u cos theta into t. अब मुझे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन मतलब क्या मैथमेटिक्स में? अगेन दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x. y एंड x के बीच के दोस्ती को हम लोग इक्वेशन भी बोलते हैं और ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं. क्लियर है सभी को? ठीक है ना? आप देखो y एक्सिस, ए वाई वैल्यू होना मुझे, y इज इक्वल टू uy into t plus half into ay into t square. uy की वैल्यू कितनी है बेटा? uy की वैल्यू है u sin theta और ay की वैल्यू है माइनस g. तो u sin theta into t minus half into g into t square. क्लियर है? इक्वेशन वन में से टू निकालो.
इक्वेशन वन में से टी को निकालो तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू इनटू कॉस थीटा तो वो बन गया इक्वेशन नंबर थ्री और टी को एलिमिनेट करके लेके जाके इक्वेशन नंबर टू में डाल दो तो वाई इज इक्वल टू दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच यू इनटू साइन थीटा एज इट इज इनटू टी टी की वैल्यू लेके आके इसमें डाल दी टी के लेके आके इसमें डाल टी को लेके जाके इसमें डाल तो बन गया एक्स बाई यू इंटू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी एक्स बाई यू इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर तो ये यू चले गया साइन बाई कॉस इज नथिंग बट टाइम सो वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू टाइन थीटा माइनस ये हो गया जी इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई टू इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ योर प्रोजेक्टाइल व्हाट इज दैट वाई इज इक्वल टू एक्स टाइन थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज दैट क्लियर फॉर एवरी वन Yes. Is that clear for everyone? Yes. Okay. So equation of a trajectory yes. क्या है? Y is equal to x tan theta minus g into x square divided by 2u square into your cos square theta. ये equation clear है सभी को कुछ doubt है इसके अंदर देख लो एक बार जल्दी से. ठीक है? चलो. Next one देखो. Horizontal projector. अब तक हम लोग कहाँ से खेल रहे थे बेटा? Ground to ground खेल रहे थे. अब हम लोग थोड़ी height पे गए. वर्टिकल हाइट और वहां से मैंने एक पार्टिकल को फेंका तो यहां से मैंने जब हॉरिजॉन्टल में फेंका विद वेलोसिटी यू तो ये पाथ ऐसा फॉलो करके 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 ऐसा नीचे तक आए तो इसमें यू वाई कितनी हो जाएगी यहां से मैंने फेंका तो क्या इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट है क्या बेटा जीरो तो यू वाई कितना हो गया जीरो हॉरिजॉन्टल में कॉम्पोनेंट कितना है यू एक्स विल बी इक्वल टू यू और टीटा कितना है बेटा यहाँ पर जीरो एक्स एक्सिस से कुछ भी टीटा नहीं है तो टीटा इज इक्वल टू जीरो तो इस इक्वेशन में जो इससे पहले आपके पास इक्वेशन आया तो ये वैल्यू डाल दो यू वाई के जगह जीरो डाल दो और यू एक्स जगह यू डाल दो और टीटा वैल्यू जीरो ले लो तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टर क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन टीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा ठीक है ना टीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो ये भी कितना है टीटा ही डाल दो अल्फा क्यों डाला मैंने टीटा ही हो गया ठीक है टीटा जीरो डाल दो टीटा जीरो डाल दे तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा अनडिफाइंड तो ये हो गया माइनस ऑफ जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू यू कॉस स्क्वायर टीटा टीटा की वैल्यू जीरो है कॉस जीरो कितना होता है वन तो ये हो गया माइनस ऑफ जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू यू स्क्वायर बहुत आसान तरीके में लिखवा दिया मैंने आप लोग को अगर कोई बॉडी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से फेंकी जा रही है देन वाई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू यू स्क्वायर इज इट क्लियर यस सर इज इट क्लियर वेरी गुड यहाँ पर और एक बात भी देख लो बेटा इसके अंदर एक छोटी सी बात भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है मान के चलो ऐसा एक प्रोजेक्टाइल है यहां से यहां तक अगर मैं पूछूं यहाँ पर व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी ये मान के चलो वेलोसिटी है सम वी बार और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी अर्थ के नीचे ही होगी ना बेटा एवरीवेयर इट विल बी जी हाइएस्ट पोजिशन के पास भी जी है और इस पाथ पे भी जी है ठीक है ना अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज और इसके अंदर देखो बेसिकली यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी यहाँ पर वी एक्स आएगा अगर मैं पूछूं प्रोजेक्टाइल मेट हाईएस्ट पोजीशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बनेगा 90 डिग्रीज अब यहाँ पर आ गया मैंने मान के चलो यहाँ से यहाँ पर तक आ गया आई हैव बीन कम हियर राइट नाउ नाउ दिस इज योर वी बार डैश Now, what is an angle between them, beta? This angle is right now for me what? Lesser than 90 degrees. Lesser than 90 degrees. Clear है? जब ऊपर जा रहे हो, तो angle between velocity and g is greater than 90. At highest position, exactly 90. From the highest position से जब ground पे आ रहे हो, तो again angle will be lesser than of your 90 degrees. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear for everyone? Yes, sir. Akka. Yes, sir. Yes, sir, पक्का चलो वेरी गुड नेक्स्ट यहाँ पर देखो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग रेफरेंस फ्रेम मान के चलो आपने अभी आप एक प्रोजेक्टाइल फेंका आप ट्रॉली पे बैठे हो ट्रॉली इज मूविंग विद वेलोसिटी वी और आपने एक बॉल फेंका विद वेलोसिटी यू मेक इन एंगल थीटा तो पहले इस यू को रिजोल्व कर लो यू कॉस थीटा और वर्टिकल में यू साइन थीटा ट्रॉली भी मूव सामने जा रही है यू कॉस थीटा भी सामने जा रहा है तो दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को ऐड कर लो तो ये बना गया कितना बेटा u cos थीटा प्लस v हुआ कि नहीं हुआ अगर मूविंग ट्रॉली में अगर जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी और आपका कंपोनेंट दोनों भी ऐड हो जाएंगे
your component and velocity of the bus will be getting added up. So horizontal velocity kitna aa jayega, u cos theta plus t, or vertical component is u sin theta. So time of flight kitna ho jayega, t is equals to 2u into your t is equals to 2 into uy by g. uy kitna ho jayega beta, uy is nothing but u sin theta divided by g. और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा इनटू थीटा प्लस v इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g. इज इट क्लियर? अगर मूविंग ट्रॉली से अगर आप एक बॉडी को फेंकोगे एन एंगल थीटा, अगर ट्रॉली और कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड करना है, बस इतनी ही कहानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. क्लियर है? सो यस सर. हां एक्सक्यूज मी सर, इज दिस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन? Yeah, this is almost all like ground to ground position. Sir, but he's in trolley, height right? of this trolley is almost all negligible. वो छोटी. Okay, sir. H होता है basically, but that H is very very small. ठीक है? Okay, sir. चलो. Yes. अगर ये trolley opposite जाती और आप ball ऐसा फेंकते, तो यहाँ पर क्या होता? U cos theta minus U cos theta minus. ठीक है ना, वो याद रख लो basically. बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. बाकी की कहानी same है. इसी को एज इट इज रखना है. उसके बाद जाते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ये देखो, y इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, x sin theta माइनस g इनटू x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. आया? यस. ये फॉर्मूला डिराइव किया हम लोग ने. अब इसको देखो जरा ध्यान से, देखो कैसे लिख रहा हूं. 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट बेटा, secant स्क्वायर थीटा. तो y इज इक्वल्स x sin थीटा माइनस g इनटू x स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा बाय 2u स्क्वायर भी लिख सकता हूं. Yes sir. Yes sir. Secant theta is nothing but equal to how much for me? 1 plus tan square theta. ठीक है? 1 plus tan square. Secant theta is how much for me? 1 plus tan square theta. ये basic mathematics formula से बेटा. मैं इसको कुछ नहीं कर सकता. आप लोगों को याद रखना है basically. ठीक है ना? इसमें से tan square theta, tan theta अगर common ले रहे हो, तो ये जाएगा मेरे पास. Y is equals to your x into tan theta minus of. अगर देखो बेटा, x tan theta मैंने common ले लिया. ये first equation से देख रहा हूँ. मैं यहाँ से आ रहा हूँ. यहां से आ रहा हूं, जरा ध्यान लगा के देखो. यहां पर x है, यहां पर x स्क्वायर है. तो इस x स्क्वायर में से मैंने x ले लिया और x ले लिया बाहर निकाल लिया. tan थीटा को भी मुझे कॉमन लेना है. तो tan थीटा को अगर कॉमन लेना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय tan थीटा कर दूं. क्लियर है? यस सर. ठीक है ना, यहाँ पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई क्या करोगे, टैन थीटा कर लो. तो टैन थीटा भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा. 1 माइनस जी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा लिख सकता हूं मैं. ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर. बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, वही आएगा ना एक्स इंटू टैन थीटा. तो यहाँ पर फिर टैन थीटा आ गया, तो टैन थीटा कैंसिल हो जाएगी, फिर मुझे ओरिजिनल इक्वेशन ही आएगा ना. यस सर. यस सर. अब टैन थीटा कैसे लिख सकता हूँ मैं, sin by cos लिख सकता हूं क्या? tan theta is sin by cos, a cos x square चले गया. तो यहां पर बचा कितना, 2u square into sin theta cos theta, और ये हो गया ऊपर से g था ना, g को मैंने नीचे ला लिया, तो ये हो गया g. अब इसको ध्यान से देखो, 2u square sin theta cos theta by g कैसे ले सकता हूं मैं, रेंज लिख सकता हूं. तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई इन टर्म्स ऑफ रेंज. y is equals to x tan theta into 1 minus x by r. आया सभी को? यस सर. कितना टाइम बाकी है? जी वैल्यू को मैंने नीचे ला लिया, तो ये बन गया मेरे पास 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी. तो ये पूरा रेंज बन जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ ए ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज इज व्हाट फॉर मी, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू टैन थीटा इंटू 1 माइनस x by r. very 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 important formula beta, isme bahut sare problems bante hain, so it is really very important for us. clear hai sabhi ko? kitna yes, time baki hai yaar abhi? 15 minutes. chalo okay fine. clear hai sabhi ko? chalo ek yes, problem dekho beta. yahan par the equation of a projectile is y is equals to root 3x minus g into x square divided by 2. the speed and angle of action puch raha hai. ye equation hum log standard equation se equate kar lo beta. y is equals to x into tan theta minus g into x square divided by 2 square into cos square theta. standard equations agar compare karoge to tan theta ke position mein kya hai beta, root 3 hai. root 3 theek hai na. aur ye 2 u square cos square theta ke position pe kya hai,
2 है, तो tan theta हो गया root 3, तो for what value it is root 3 बेटा, theta is equals to 60 degrees, yes sir, और 2u square cos square theta किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो a2 कट गया, u square cos square theta is equals to 1, so u square into cos theta की वैल्यू कितनी है, 60, cos 60 will be equal to how much for me, 1 by 2, cos square 60 will become for me 1 by 4, तो u square की वैल्यू हो गई कितनी 4, तो u की वैल्यू हो गई कितनी 2 meter per second, आया सभी को, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टर दे रखा है, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन आई एम गेटिंग द एंगल एंड आई एम आल्सो गेटिंग द स्पीड, आया सभी को, यस सर, यस सर, पक्का ठीक है ना, चलो ये वाला ट्राई कर लो एक बार, द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल्स टू 16x माइनस x square divided by 4. The equation of projectile is y is equals to 16x minus x square divided by 4. The horizontal range is how much? The horizontal range is how much? Again, equate to the standard equation, beta. Y is equals to x tan theta minus g into x square divided by 2u square into cos square theta. So, x ki jagah to x hai. Tan theta ki jagah kitna hai? 16 hai. So, equating kar liye to tan theta is equal to 16 aa gaya. tan theta को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, sin by cos लिख सकता हूँ, तो sin theta की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 16 into cos theta. अब यहाँ पर देखो, x square की जगह तो x square है, लेकिन g by 2u square cos square theta की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 by 4 है, तो यहाँ पर g by 2u square x square square कट जाएगा, तो g by 2u square cos square theta is equal to 1 by 4, या 2 1s are 2 2s are, तो ये बना कितना बेटा, u square cos square theta is equal to, ये इधर चले जाएगा, that will be equal to 2g. रेंज का फॉर्मुला कितना है, r is equals to u square sin 2 theta by g, sin 2 theta कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 sin theta into cos theta divided by g, यहां पर देखो sin theta की वैल्यू कितनी आई, sin theta की वैल्यू कितनी आई, 16 into cos 30, तो यहां पर हो गया 16 into cos theta into tan, cos into cos कितना हो गया, cos square theta, 2 into 16 is 32, so 32 into u square cos square theta by g, तो हो गया 32, u square cos square theta की वैल्यू कितनी है देखो बेटा, u square cos square theta की वैल्यू कितनी है, 2g है, यहां पर मैंने 2g डाल दिया, ag चला गया, 32 2 जा 64, that is your range, very very important model बेटा, इसको दो तीन बार करो, you will get an idea how I am doing this problem, इसने equation of trajectory देखे, horizontal range पूछ रहा है, clear है, yes sir, चलो, तो एक छोटा सा point है अभी, अगर एक body आप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फेंक रहे हो बेटा ऊपर के टाइम, तो ये मेरा रेफरेंस है बेटा, रेफरेंस के ऊपर एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे विल बी नेगेटिव, ये मैंने आप लोगों को काइनेमेटिक्स में भी पढ़ाया था, रेफरेंस का ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव, आपने एक टावर पे ठहर के एक बॉडी को फेंका विद वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा, फिर ये प्रोजेक्टाइल का एक कंडीशन कॉमन होगा, horizontal acceleration is always zero and the vertical acceleration will be equal to minus g, ठीक है, तो ये पार्टिकल जब आपने ऐसे फेंका तो ऐसा होते 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 यहां तक प्रोजेक्टाइल बनेगा, फिर यहां से फिर नीचे आ जाए, ठीक है ना, तो कहीं पर भी अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो अगेन vx vy से निकालना, तो इसमें से फिर मैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लिख रहा हूं, s is equal to ut plus half of your a into t square, अब ये जो हाइट है ये पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, नेगेटिव, ये रेफरेंस है बेटा, रेफरेंस के नीचे है इसलिए h क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे, माइनस h, ये हो गया y कंपोनेंट, u y इज नथिंग बट u sin थीटा, टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ए वाई हो जाएगा, दिस वन इज योर ए वाई, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ योर g into t square, इसको सिंपलीफाई कर लो, विल गेट द टाइम ऑफ योर फ्लाइट, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू ux into t, तो u cos थीटा into t, अगर वेलोसिटी निकाल रहा है बेसिकली इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो ये हो गया vx और ये हो गया vy, वेक्टर में हो जाएगा vx i cap vy j cap, मैग्नीट्यूड में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx निकालना है तो अगेन सेम, इससे पहले मैंने जैसा बताया था आप लोग को vx is equals to ux plus ax into t, ax वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, तो vx will become for me ux, तो vx हो गया u cos theta, अगर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस निकालना है तो अगेन सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into ay into s, vy स्क्वायर uy कितना है बेटा u into sin और ay हो गया minus g, तो ये हो गया मेरे पास uy is equals to u square sin square theta minus 2gh, तो vy की स्क्वायर निकालो ये हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड में निकालना है तो यू कैन सिंपलीफाई इन द मैग्नीट्यूड एंड गेट द आंसर, तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर, ये हो जाएगा मेरे पास
vx square plus of your vy square. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ vx की वैल्यू कितनी है बेटा, vx की वैल्यू कितनी है मेरे पास u, तो ये हो गया मेरे पास u square cos square theta plus vy square. vy square मतलब ये vy square की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर देखो, सो ये हो गया u square sin square theta माइनस ऑफ योर जी इन योर टी, तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी वी. ठीक है ना, अगर एंगल पूछ रहा है तो कैसे लिखोगे, टैन थीटा इज इक्वल टू योर वर्टिकल वेलोसिटी बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखोगे, वर्टिकल वेलोसिटी मतलब ए ना वी वाई, तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ जी इंटू टी डिवाइडेड बाई वी एक्स. वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सो वी एक्स स्क्वायर की थी ना वैल्यू, तो वी एक्स की वैल्यू लिखना है तो क्या लिखोगे, तो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट. और वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर वी एक्स, तो वी एक्स की वैल्यू हो गई यू इंटू कॉस थीटा, ये हो गया यू इंटू योर कॉस थीटा, उसमें से हम लोग थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैंने फास्टली बोल दिया लेकिन प्रीवियस के कंडीशन में बहुत आसान तरीका है, एक बार पढ़ लो, अगर कुछ डाउट है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू. तो बाय दिस वी आर डन विद योर प्रोजेक्टाइल. इसका एप्लीकेशन अपने को 3-4 दिन लग जाएंगे, अच्छे सारे शॉर्टकट फॉर्मूले से इसमें, और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे अच्छे खासे प्रॉब्लम्स है. तो फ्रॉम मंडे सेक्शन वी विल ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एज वेल एज ऑफ मोशन इन 1D. तो नेक्स्ट वीक 2-3 दिन हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स पे कॉन्सेंट्रेशन करेंगे बेटा. सो एक बार आप लोग प्रोजेक्टाइल्स पूरी तरह से एक बार पढ़ लो, कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट वंस अगेन. तो नोट्स मैं आपको अभी भेज दूंगा, प्लीज ट्राई टू गो थ्रू द नोट्स, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू प्लीज लेट मी नो. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर. यस सर. ठीक है ना, चलो टेक केयर बेटा. गुड मॉर्निंग. क्या बेटा, क्या बोल रही है? नेक्स्ट क्लास मंडे. मंडे मंडे. ओके सर. थैंक यू सर. ठीक, चलो बाय बेटा. सुबह थोड़ा स्लो बोलिए सर. सुबह सुबह थोड़ा स्लो बोलिए सर. हाँ ठीक है बेटा, आप लोग मेरे से बात कर सकते हो बेटा, मैं आप लोग के लिए हूँ. अगर मैं कभी कहीं फार जा रहा हूँ तो आप लोग मुझे सीधा सीधा फोन करके बोल सकते हो या टेक्स्ट करके बोल सकते हो या क्लास में ही बोल दो, आई श्योरली हेल्प यू आउट. ऐसा मुझे भाग के कंप्लीट करना नहीं है सिलेबस, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज ट्राई टू टेल मी इफ आई एम डूइंग वेरी रियली फास्ट, तो आप लोग थोड़ा से मुझे बोल दो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट पार्ट. ठीक है ना? ओके सर. ओके ओके, चलो टेक केयर बेटा, बाय. अल्लाह हाफिज़ सर. थैंक यू.